खिलाने को जाओ। सी सी माशाल्लाह। ज़्यादा नशीन भी हैं यहाँ पे और मैं सरकारी तौर पर एक जिम्मेदार सुपरवाइज़र इंचार्ज भी हूँ। जो हमारे मज़ार है अदर सकी सुल्तान बाबा मंगू पीर रहमतुल्लाह है, उसके आप देखें बैक साइड पे जो बहुत सारे मगरमच्छ हैं। बास कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मगरमच्छ वो किस तरह और कैसा है। अब सबसे बड़ा जो मगरमच्छ को नाम से हम पुकारते हैं मोरसौब के नाम से, शीदी मेले में उसको हार पहनाया जाता है, इतर लगाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये नायाब तरीन दुनिया में ये जो मगरमच्छ हैं हमारे पास मौजूद है कराची के बीच में, इसकी जितनी खिदमत हो तो कम है। ये सबसे बड़ा जो मगरमच्छ को हार पहनाना, इतर लगाना, ये सारे रस्म में होता है शीदी मेले के हवाले से भी। लोग ज़ायरीन अब आते हैं यहाँ पर, बच्चे बूढ़े जवान, तो जब मेले के हवाले से जब मगरमच्छ को हार पहना रहे, इतर लगा रहे हैं, तो उस एक रस्म एक रवाज़ जैसे कि आज से नहीं एक सदियों से चलता हुआ रहा है, जैसे कि शीदी मेले के हवाले से भी, तो उसी नस्बत से बाद लोग भी यही आके कहते हैं कि साईं ये सबसे बड़े मगरमच्छ को किस तरह खिलाया जाता है, नहलाया जाता है, पिलाया जाता है। सबसे बड़ा मगरमच्छ का हमने वैसे नाम रखा गया है मोर सवाब के नाम से हम उसको पुकारते हैं। वैसे उसकी उम्र जो एज होगी मैक्सिमम कुछ नहीं तो 130 या 132 साल उसकी एज होगी। पूरा गाड़ी देने दिमाग नहीं तुम्हारा मामा और चीची वो हमें तो ना ना। मगर बच्चों की टोटल तादाद आपके ये समझे कि 200 के करीब करीब हमारे पास जो मगरमच्छ है अब यहाँ पर इस पॉन्ड में तकरीबन उसकी देखभाल हो रही है। हजरत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन आजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के कुछ उस नस्बत से भी खलीफा रह चुके हैं। तो ये मगरमच्छ बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उनकी निशानियों में से है। जो आपने अभी देखा तो मैंने किस तरह गोश्त इनको खिलाया, जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसको मीठा भी बड़े शौक़ से दिया जाता है, बेशक इनको मीठा भी बड़े शौक़ से दिया जाता है, जैसे कि अलवा कहते हैं मीठे में, जब वो भी अगर लोग मन्नत मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि साईं हमारे जो ये गोश्त है तो या मीठा है ये दे दें ताकि मगरमच्छ खा जाए तो हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। बेशक अल्लाह ही पूरे करने वाला है मेरी रब की ज़ात, मगर कह के एक ज़रिया बना हुआ है। यहाँ के आप देखें कि कराची के बीच पर इतने सारे मगरमच्छ हैं, ये नायाब तरीन मगरमच्छ है पूरी दुनिया में। मैं समझता हूँ ज़ायरीन यहाँ पे ऐसे भी ज़ायरीन हैं जो आते हैं बेचारे यहाँ पर गोश्त भी देते हैं, गोश्त भी खिला रहे हैं, ये सदका जारिया चल रहा है। ये देखें कि ये इसकी पॉन्ड को भी थोड़ा वसी होनी चाहिए और मेरी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जगह को ज़रा हाला वसी होनी चाहिए, इसकी एक बजट बनाया जाए, मैक्सिमम इसकी एक छोटा सा इतना बजट बनाया जाए तो इनको खाने पीने का कोई तंगी ना हो जाए। अब ज़ाहरी ने ज़ाहरी बात है इतनी महंगाई के तौर पर महंगाई में इनको खिलाना पिलाना एक बड़ा एक मसला बन चुका है। जाहिर सी बात है लोग दाल नहीं खाते तो गोश्त कहाँ से ले आते हैं, मगर ऐसे भी अकीदामंद लोग हैं जो अल्लाह ने उनको नवाजा है, उनको दिया हुआ है तो बेचारे ले आ रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम इसको गवर्नमेंट की महकमा औकाफ़ की तरफ से एक बजट बनाया जाए ताकि इनको खुराक की कमी ना हो, ये बीमार ना हो, ताकि इनको इसकी एक महकमे की जिम्मेदारी है इनको खुराक पहुँचा है। मेन जो मेन दीवार है ये आप देखें जो ज़ायरीन यहाँ पे खड़े होते हैं, आप यूँ आएंगे इस तरफ इसकी गिलर है, इसको मतलब पिचिंग करना बहुत ज़रूरी था। पिचिंग करना इसलिए ज़रूरी था कि ये यहाँ पे ज़ायरीन खड़े होते हैं देखते हैं, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ये मगरमच्छ और
दिन पर दिन अंदर ही जा रहे हैं इस पॉन्ड के अंदर, वॉल के अंदर, तो ये वॉल जो है ना अब डैमेज हो चुका है और इसको अब जो है ना इसकी पिचिंग करना, इसको मरम्मत करना ये बहुत सख्त ज़रूरत हो चुका है। मैंने पहले भी दरख्वास्तें दी हैं, रिसीव भी करवाया इस बात पर कि महकमे अवकाफ की सेक्रेटरी चीफ साहब को भी मैंने दिए, महकमे मैनेजर अपने मैनेजर को भी दिए, कराची एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिए कि इसकी दीवार को मैक्सिमम जो है ना जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए, बनाया जाए।